नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट न्यूज हिंदी डिजिटल। मैं हूं प्रियंका। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका गए, जहां पर उन्होंने भारत को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए। उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान से जब मीडिया ने इस बातचीत को लेकर, इस बयान को लेकर बातचीत की सवाल उठाए, तो शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को बदनाम करने और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो कुंठित हो। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी पहले तो सरकार पर ही सवाल उठाते थे, लेकिन अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अब इसके साथ ही मायावती ने भी राहुल गांधी ने जो अमेरिका में जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है भारत को लेकर, उसमें आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, जिसमें अब मायावती ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने नेतृत्व किया था देश का। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उन्हें भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए।